Press the bell icon button on the YouTube app and never miss an update from Moto to Tech. और आपका स्वागत है मेरे चैनल में, दैट इज मोटो टू टेक। सो गाइस, आज हम किसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं? आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक गेमिंग व्हील की, दैट इज अ स्टीयरिंग व्हील फॉर माय न्यू गेमिंग सेटअप। जैसे कि आपको पता है, मैंने नया चैनल खोला है, गेम्स फॉर मेमोरीज। मतलब उसमें अब रेगुलर गेम्स आएंगे, गेम्स के गेम प्लेस आएंगे। सो उसके लिए मैंने एक स्टीयरिंग व्हील मंगवाया है। आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एनवीडिया जी फोर्स जोटैक ग्राफिक कार्ड की, जो है 4GB, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू बाय इट। और आप सभी को अंदाज़ा हो ही गया होगा मैं ग्राफिक कार्ड क्यों मंगवाया है मैंने। सो गाइस, मैंने ग्राफिक कार्ड इसलिए मंगवाया है क्योंकि मैंने नया गेमिंग चैनल स्टार्ट किया है, गेम्स फॉर मेमोरीज। लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट। सो गाइस, we will unbox it and have a first look in the GTA 5. ये दोनों चैनल में आएगा, मोटो टू टेक एज वेल एज गेम्स फॉर मेमोरीज। सो गाइस, ये कुछ वारंटी का गिर गया। सो गाइस, ये है इसका वारंटी बिल जो कि मुझे रखना पड़ेगा, 5 साल की वारंटी है इस पर। ऐसा और भी कुछ निकला है पता नहीं। सो गाइस, ये है 4GB और इसमें स्मूथ गेमिंग है, सॉलिड रीडेबिलिटी है, फास्ट मल्टी मीडिया है। सो गाइस, ये मुझे कुछ पड़ा है 6000 रुपये का। और गाइस, ये है 4GB वाला DDR3 लो प्रोफाइल ओपन GL 4.4। सो गाइस, इसमें लिखा हुआ है एक्सटेंडेड वारंटी। सो गाइस, अभी मैं रिटेल यूनिट को खोल के दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, फाइनली मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और इसके साथ हमारे को मिलता है एक जोटैक का कार्ड जो कि है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स। अब जैसे देख सकते हो कैमरे में, एक हमारे को मिलती है इंस्टॉलेशन CD जो कि मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ड्राइवर्स इसमें है जोटैक के। बाकी ये जो है जोटैक के क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप नए हैं तो। सो गाइस, अब हमारा आ जाता है मेन यूनिट, दैट इज जोटैक गेमिंग ग्राफिक कार्ड। सो गाइस, क्लम्प भी दिया है, इस क्लम्प को लगाना पड़ेगा हमारे को मेरे हिसाब से तो। सो गाइस, ये है एक और क्लम्प, सो इसको रखते हैं साइड में। सो गाइस, एज यूजुअल इसमें है HDMI पोर्ट, VGA, और ये पता नहीं कौन सा पोर्ट है, ये मुझे भी नहीं पता। सो गाइस, ये है जोटैक लिखा हुआ है। अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपने नए PC में,
दैट इज़ i3 विद 12 GB ऑफ रैम। बाकी मैं आपको बस स्पेसिफिकेशन आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने ये पैकेज है और पैकेज को हमारे को कटआउट करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ ये बहुत बजट गेमिंग स्टीयरिंग व्हील है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। सो इसकी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं और देखते हैं क्या है इसके बॉक्स कंटेंट क्या है एक्सेसरीज। सो दोस्तों इसको कटआउट करते हैं कैंची से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये थ्रश मास्टर का है, थ्रश मास्टर कंपनी का है, फेरारी का लोगो है, ये फेरारी एडिशन रेसिंग व्हील है और इसमें लिखा हुआ है फेरारी रेसिंग व्हील रेड लेजेंड एडिशन। तो ये PS3 और PC के साथ सिर्फ कंपैटिबल है, PS4 के साथ नहीं है और Xbox के साथ भी नहीं कंपैटिबल है, बस PS3 और PC के साथ कंपैटिबल है। ये यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है PS3 PC फॉर। सो पैकेज के इस साइड देख लेते हैं, पैकेज के इस साइड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने जैसे कि आप देख सकते हैं और इधर फिर से वही दे रखा है इन्होंने और यहाँ पे कंट्रोल्स बता रखे हैं कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें पैडल्स भी इंक्लूडेड है लेकिन इसमें कोई गियर शिफ्टर नहीं है, गियर शिफ्टर है भी तो इसका जो है क्विक शिफ्टर है। सो गाइस इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसके बॉक्स कंटेंट्स। तो दोस्तों जैसे कि मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ दोस्तों जैसे ही मैंने बॉक्स को ओपन किया है तो यहाँ पे एक यूज़र गाइड, तो इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें नया हूँ तो मुझे चलाना भी नहीं आता, तो इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है स्टीयरिंग व्हील जिसके लिए ये वीडियो बन रही है। तो ये देखिए स्टीयरिंग व्हील, फेरारी का लोगो है बीच में। सो आपको और क्लियर लुक देता हूँ मैं, ये देखिए। बाकी आप सिनेमेटिक्स तो एंजॉय कर ही चुके हैं। सो हिलता डुलता बहुत है, ये बढ़िया है। और देखते हैं इस बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है। तो गाइस इसके साथ हमारे को मिल जाते हैं पैडल्स जो कि एक्सीलेटर और ब्रेक है, क्लच नहीं है इसमें पहले ही बता रहा हूँ। सो ये है पैडल्स जिससे हम गाड़ी को कंट्रोल करेंगे और देखते हैं क्या है। तो इसमें मिल जाता है हमारे को एक स्क्रू जैसे ये देख सकते हैं, ये शायद स्टीयरिंग व्हील पे लगेगा मेरे हिसाब से। और इसमें एक है जो सेंटर स्टैंड होता है मतलब टेबल पे लगाने के लिए। तो चलिए गाइस इसको फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा दिखता है। गाइस बॉक्स में और कुछ नहीं है जैसे ये देख सकते हैं, तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो गाइस अभी जो है मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है और इसके ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किए हैं तब जाके ये चला है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है उसकी वजह से PC और PS3 में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, PC में कर दिया मैंने। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने स्क्रीन है, मैंने एक गाड़ी ले रखी है GTA 5 खेल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे गियर भी है, गियर शिफ्ट अब जैसे ही मैं कर रहा हूँ
तो ये देखिए गाड़ी चलने लगा है एक्सलेटर दबाते ही। मॉडिंग की है मैंने इसमें, जैसे कि मतलब ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये काम करने लगा है इसके साथ। अगर आपको ये ट्यूटोरियल जानना है कि मैंने कैसे किया ये स्टीयरिंग व्हील को कॉन्फ़िगर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से कीजिए, जैसे कि मुझे पता लगे कि आपको जानना है कि मैंने ये कैसे कॉन्फ़िगर किया है। So that's it for the video. I hope you will find it helpful. So guys, please do like, subscribe, share and comment if you want to. Till then, I will see you in the next one. As always, peace out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.